हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज किस नए वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से फ्रेंड्स आप अपने यहाँ पे डिवाइस के अंदर, इसकी आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे यहाँ पे जो कि लावा का फ़ोन है। तो गाइज, अगर आप अपने लावा वाले फ़ोन के अंदर जो जेस्चर सेटिंग रहता है नेविगेशन बटन, जो कि आपको यहाँ पे बटन रहता है उसको यहाँ पे ऑफ करके, जो ये वाला सेटिंग मैंने अभी सेट कर रखा है, ये वाला कैसे सेट कर सकते हैं जो जो कि जेस्चर नेविगेशन रहता है, तो इसको कैसे सेट करना है मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी आप अपने किसी को भी क्लिक करेंगे एप्लीकेशन को, उसको बैक करना है तो इस वाले सेटिंग से यू करके बैक कर पाएंगे। और अगर आपको यहाँ पे रिसेंट से हटाना है तो सिंपली यू करके आपको स्लाइड अप करना है और यहाँ से इसलिए रिसेंट से भी हटा सकते हैं। तो ये वाला जो जेस्चर सेटिंग है, इसको करने के लिए गाइज आपको करना क्या होगा, और अगर आपका यहाँ पे बटन्स वाला है तो उसको ऑफ करने के लिए गाइस करना क्या होगा, मैं आपको पूरा वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस, अगर आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से करेंगे गाइस इसको डाउन और इस तरह का इंटरफेस गाइस आपको देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली गाइस आपको यहाँ से करना क्या है, सिंपली इसको डाउन कर लेंगे गाइस यहाँ से, और इसको डाउन करने पर इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से गाइस आपको करना क्या, जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो इसको डाउन कर लेंगे और यहाँ पे आपको सेटिंग्स वाला जो ऑप्शन है देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली गाइज आपको मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन कर लेना, और ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलता है गाइज। तो यहाँ से गाइज स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करने के बाद गाइज आपको यहाँ पे देख सकते हैं और ऑप्शन आपका नेविगेशन बार। तो सिंपली गाइज आपको यहाँ पे नेविगेशन बार वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना गाइज, और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो कि मेरा ये वाला ऑप्शन रहता है गाइज, सिंपली तो यहाँ पे होल्ड प्रेस करने पे आपका यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस शो हो, जो कि रिसेंट आपका इनेबल हो जाएगा। तो जो कि नेविगेशन रहता है जेस्चर नेविगेशन, उसको इनेबल करने के लिए गाइज आपको करना क्या होगा, आपका यहाँ पे वर्चुअल कीज़ वाला जो ऑप्शन रहता है, यानी इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, और ये वाला जो बटन्स वाला जो नेविगेशन बार रहता है आपका यहाँ पे इनेबल है और इनेबल रहेगा। तो अगर आपको इसको हटाना है और सिंपली जो जेस्चर नेविगेशन ऑन करना है तो जेस्चर नेविगेशन पर क्लिक करेंगे और आपका यहाँ पे जेस्चर नेविगेशन ऑन हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक करेगा इस, अगर चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में।